वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। 4 फरवरी के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में एकाधिकार रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है, तो ये है मालदीव। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेगा कि मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा क्या है, मालदीव रुफिया, याद रखिएगा रुफिया, पिया नहीं रुफिया, ठीक है। और मालदीव लगभग 3 साल पहले मानवाधिकार के मसले पर राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था, जिसे फिर से एकाधिकार रूप से शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर सी, देश में 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा उन्होंने किया है, ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय टिड्डियों के प्रकोप से बहुत ही परेशान है, यानी कि टिड्डियों की वजह से फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान को 730 करोड़ रुपए की ज़रूरत बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की, तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत करने वाला राज्य जो है वो है उड़ीसा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन क्या होता है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपकी बाइक खो गई, तो आप उस जिले के उस राज्य के कहीं और लोकल स्टेशन पे पुलिस स्टेशन पे ना जा करके, बल्कि सीधे उड़ीसा जो वहाँ पे शहर है वहाँ से सीधे आप उसका FIR दर्ज करा सकते हैं और उसकी जो खोज जांच होगी वो काफ़ी हाई लेवल पे होगी, ठीक है। तो ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, ऑनलाइन इसमें सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है, तो भारतीय इंडेक्स को ये मिजरी इंडेक्स यानी कि बी नंबर मिजरी इंडेक्स के आधार से मापने की मांग की गई है। इसको मिजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो द सुधीर पांडे सर्च करके टेलीग्राम से PDF जाके ले सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।